हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसवीएस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आपकी और मेरी कल बात हो चुकी थी ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन में, जहां तक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो प्रॉपर्टीज, यानी ये कैसे उत्पन्न होती है, किन कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, इसके बारे में मैंने कल बताया था। और मैं ये भी कह के गया था कि कल वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटेट, ठीक है, जो आपके चार होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनको आप त्रिकोणमिति चतुर्थांश भी बोल सकते हो, क्योंकि इनमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कोस, सेक कोस, कोट, टेन, जो भी होते हैं, इनके बारे में भी आपको इनमें देखने को मिलेगा कि इन चारों चतुर्थांश की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये किस प्रकार मतलब इनको बनाया जाता है, इनमें कोऑर्डिनेट जो अपने निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में, इनको कैसे इनमें शो किया जाता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ चार चतुर्थांश के बारे में। तो सबसे पहले मेरी हेडिंग रहेगी चतुर्थांश, डायरेक्ट लिख लो, देखो रटी रटा ही कोई बात नहीं है, आपको तो बस समझने से मतलब है, ठीक है। तो हेडिंग रहेगी मेरी चतुर्थांश, जो आपके चार होते हैं मैं बना देता हूँ। आपको एक्स एक्सिस रेखा और वाई एक्सिस रेखा बनानी आती होगी, जिसमें मूल बिंदु ओ को शो करते हैं, जो दोनों रेखाओं का क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। तो मैं पहले शो कर देता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, जिसमें एक्स एक्सिस रेखा को क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, जिधर मतलब ये मूल बिंदु ओ होता है, इसकी सहायता से हम देखेंगे कि इसके दायां साइड कौन सा है और बायां साइड कौन सा है। बोले तो आर एच से राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड मेरी ये है और लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है, तो ये भाग कौन सा हो गया मेरे पास, आर एच एस, ठीक है, और ये भाग मेरे पास कौन सा है, एल एच एस। अब देखो इसमें जो मूल बिंदु होता है तो दाईं साइड क्या रहती है हमेशा ही पॉजिटिव, और ये जो बाईं साइड है क्या रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस की, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई एक्सिस सॉरी, जिसमें आपको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, जिसका नीचे वाला भाग है, जिसको मैं शो करता हूँ वाई डैश से, इधर ये एक्स डैश हो गया, मतलब इसमें एक्स डैश मतलब यानी कि जो एक्सिस की उधर पॉजिटिव वैल्यू थी वो सेम ही वैल्यू इधर किसमें आएगी, नेगेटिव में। यहाँ पर वाई की कौन सी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव, ऊपर, अप की बात मतलब मूल बिंदु से ऊपर। नीचे की बात करता हूँ वाई डैश की, तो नीचे कौन सी वैल्यू आती है मेरे पास, नेगेटिव आएगी, ठीक है। जैसे मैं मान लो आपको दर्शा के बताता हूँ, जीरो से स्टार्ट हो गया मूल बिंदु से, यहाँ पर आया मेरे पास एक, यहाँ पर कितना आया दो, यहाँ पर कितना आया तीन, यहाँ पर कितना आया मेरे पास चार, ठीक है। इधर वो सेम ही संख्या लिखनी है, इधर ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर तीन तक चलते हो और उधर चार तक, गलत हो जाएगी बात, ठीक है। जितने मूल बिंदु के आर एच एस साइड नंबर लेते हो उतने इधर लेने एल एच एस साइड। इसको एक्स डैश से शो कर देता हूँ, माइनस के दो, माइनस के तीन और कितने चले, माइनस के चार, ठीक है। इसी प्रकार मैं ऊपर लेता हूँ एक दो तीन चार तक, ठीक है, कोई दिक्कत। नीचे कितना आ जाएगा, माइनस के एक, माइनस का दो, माइनस का तीन और कितना आ गया, माइनस के चार। अब बात करता हूँ इसमें मूल बिंदु को कैसे सेट किया जाता है, सॉरी इसमें कोऑर्डिनेट को कैसे शो किया जाता है। इसमें देखना एक्स का निर्देशांक क्या है, प्लस का, भाई एक्स वाला जो पार्ट है पॉजिटिव ही तो है, वाई वाला पार्ट भी क्या है, पॉजिटिव, तो इसमें मतलब दोनों निर्देशांक एक्स और वाई क्या रहेंगे, धनात्मक। इसकी बात करता हूँ, एक बात ध्यान रखना, प्रथम निर्देशांक जो एक्स का होता है इसको क्या बोलते हैं, भुज। आपके नाइन्थ क्लास के चैप्टर में क्वेश्चन आ रखा है कि भुज और कोटि को प्रदर्शित कीजिए, जैसे निर्देशांक दे दिए कि एक समतल में 3.4 बिंदु के निर्देशांक है, पी बिंदु के, जिनमें भुज व कोटि को पहचानिए, तो भुज क्या हो गया मेरे पास तीन और कोटि मेरे पास क्या हो गई चार, इस प्रकार पहचान, यानी एक्स एक्स वाले निर्देशांक को क्या बोलते हैं भुज, वाई एक्स निर्देशांक वाले को क्या बोलते हैं कोटि, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ता हूँ मैं, ये आपके हो गए। अब बात करता हूँ सेकेंड क्वार्टेट की, सेकंड में आप क्या आएंगे, देखो एक्स वाला तो क्या आएगा, नेगेटिव, कैसे कि मैंने अभी बताया एल एच एस साइड में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव, तो एक्स वाला तो क्या रहेगा, नेगेटिव। वाई वाला देखो ऊपर दोनों तरफ, अप की बात करूं, अप का मीन्स क्या हो गया, ऊपर, यानी मूल बिंदु से ऊपर, तो मूल बिंदु से ऊपर देखो ये दोनों पार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाई के निर्देशांक क्या आएंगे मेरे पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो वाई के निर्देशांक क्या आएंगे, पॉजिटिव, एक्स का निर्देशांक मेरे पास क्या है, नेगेटिव, ये x, y के निर्देशांक सेकंड में हो गए, ठीक है। बात करता हूँ थर्ड की, थर्ड में देखो x वाला भाई LHS साइड तो ये पूरी तो है, इतनी इतनी यही तो LHS साइड,
और अब की बात करता हूं तो अब देखो यहां से लेके इधर तक ये पूरा मूलबिंदु से ऊपर का ही तो पार्ट है, ऊपर यानी वाई हमेशा क्या रहेगा धनात्मक, और इससे नीचे पूरा वाई क्या रहेगा माइनस, चाहे तीसरे की बात कर लो चाहे चौथे की बात कर लो, ठीक है। और ये देखो LHS साइड पूरी है, तो LHS में क्या रहता है, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस, अब नीचे की बात करता हूँ मूलबिंदु से नीचे आ गए तो y डैश यानी किसकी वैल्यू क्या होती है इसकी, नेगेटिव, तो दोनों क्या रहेंगे नेगेटिव। बात करता हूँ चौथे की, चौथे में ध्यान से देखना, RHS साइड आ गई मूलबिंदु से इस तरफ, तो RHS में x क्या होता है पॉजिटिव, अरे ध्यान में रहना चाहिए सबको कोऑर्डिनेट कैसे शो करते हैं। बात आती है y एक्सिस की, मूलबिंदु से नीचे आ गए तो y एक्सिस क्या होती है नेगेटिव, ये इस प्रकार आपके निर्देशांकों को इनमें दर्शाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में आ जाए कि निर्देशांक माइनस तीन कोमा चार को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए जो किसी बिंदु P के निर्देशांक है, किस प्रकार शो करेंगे, भाई लाए सीमा मेरे को पता है कि चार तक करना है, तो मैं यहाँ पर चार तक वैल्यू ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, चार तक ले लेता हूँ कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वाई एक्स है, देखो पहले बूझ जाती है वो कौन सी आती है, एक्स एक्स के सेकंड नंबर जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है वाई का, एक्स में देखो माइनस तीन, जैसे ही मैंने नेगेटिव मार्क देखा तो मेरे को क्या याद आया LHS साइड लेके चलना है, LHS में आ जाओ कोई दिक्कत, माइनस के तीन ये रहा देखो माइनस का तीन एक्स एक्स पे। बात करता हूँ वाई एक्स की, वाई एक्स पर देखो मेरे को क्या शो हो रहा है चार, चार क्या है पॉजिटिव, किसका है वाई एक्सिस का, जैसे ही मेरे को दिमाग में आया कि वाई एक्सिस का मेरे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो मेरे को याद आ जाएगा कि मूल बिंदु से किधर लेके जाना है ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर देखो ये रहा वाई एक्सिस का पॉजिटिव, चलिए इनको मिला देते हैं, देखो इनको मिला रहा हूं मैं, इनको मिला देते हैं, ये देखो इस बिंदु पर निर्देशांक क्या हो गए माइनस तीन कोमा चार, इस प्रकार मतलब निर्देशांकों को शो किया जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, अगर आपके पास आ जाए कि x और y के निर्देशांक दे दे माइनस के टू कोमा माइनस के फोर, चलिए बात करते हैं, फर्स्ट होता है x एक्सिस का, सेकंड किसका होता है y एक्सिस का, x एक्सिस में बात करता हूँ माइनस के दो की, तो देखो माइनस का चिन्ह कौन सी साइड LHS साइड, कितने दो, अधिकतम सीमा कहां तक लेके चलनी है ग्राफ में, कहां तक नंबर को लेके चलना है वो y एक्सिस से पता चलेगा, सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से पता चल जाएगा, तो मेरे को चार तक लेके चलना है, मैंने चार तक ही लेके चला हूँ, ठीक है। माइनस के दो किस में चाहिए, एक्स एक्सिस में, जैसे ही माइनस के दो दिखे तो कहाँ आया मैं LHS साइड, ये रहे माइनस के दो भैया, फिर मेरे को क्या दिखे माइनस के चार, किसके वाई एक्सिस के, तो जैसे ही वाई एक्सिस में नेगेटिव का नंबर याद आया तो मैंने सोचा कहाँ चलना है मूल बिंदु से नीचे, ये रहा अपना मूल बिंदु माइनस के चार, तो माइनस के चार मूल बिंदु में देखो कहाँ रहे नीचे की ओर, ये रहा, इनको डैश 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 से मिला दो, इस बिंदु को नाम दे दो Q, जिसके निर्देशांक कितने माइनस दो कोमा माइनस चार। अब बाकी तो कर लोगे दोनों की, फर्स्ट और सेकंड की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करता हूँ आपके जो त्रिकोणमिति से संबंधित चतुर्थांश होते हैं उनकी, ठीक है। तो चलिए ये तो मैंने समझा दिया निर्देशांकों को अंकित करना, जो आपका चैप्टर नंबर 9 रहता है उसमें ये काम आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 ग्राफ वाला जो भी चैप्टर है आपका, आप मेरे से इंटेलिजेंट हो, आपको ज़्यादा पता है कि कौन सा चैप्टर रहता है आपका, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, हमारा तो काम बस पढ़ाना है आपको, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आगे, मतलब जो आपके त्रिकोणमितीय चतुर्थांश आते हैं उनकी, तो त्रिकोणमितीय चतुर्थांश में देखो वो ही ग्राफ रहेगा, x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश, इधर वो ही मैंने बताया था कौन सी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्टर देखा होगा इंग्लिश का, सॉरी इंग्लिश का मीनिंग है, हिंदी में आप बोलते हैं उसको चंदा, मैथमेटिक्स का इंस्ट्रूमेंट है वो, मैथमेटिक्स का इंस्ट्रूमेंट है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है प्रोटेक्टर, ठीक है, जो क्या करता है एंगल नापता है, एंगल का मापन करता है यानी कोण का मापन करता है। प्रोटेक्टर की सहायता से मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको, तो देखना प्रोटेक्टर आपने देखा होगा जिसमें देखो ये बीच वाला एंगल कितना होता है, जो देखो ये लंबवत होता है कितना होता है 90 डिग्री, जो क्या करता है 180 को दो भागों में विभाजन करता है, ठीक है। अब देखो कुछ इस प्रकार होता है आपका प्रोटेक्टर,
हमेशा याद रखना लंब डालने वाली भुजा का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, प्रोटेक्टर में देखो यहां से जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो गए, चले चले कितने तक आए, 180 डिग्री तक, कोई दिक्कत। इसी प्रकार देखो मेरे पास कौन सी रेखा है, जीरो से कितना चलूंगा। अब ऐसे मत सोचना कि जीरो इधर होता है किधर होता है, वो आप समझ जाना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस प्रकार समझते हो उस प्रकार समझ जाना, ठीक है। अब चलिए इसके जैसा ये है इस प्रकार ही ले लेते हैं, शायद मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है उसमें, क्योंकि प्रोटेक्टर का कभी यूज ही नहीं करते हैं अब, ठीक है। रचना वाली उस चैप्टर के अंदर भी बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें जो आपका रूलर होता है उससे आपके एंगल बनाते हैं चाप निकाल के, ठीक है। अब जैसे ही देखो मैं इधर चलता हूँ, जीरो से कितना चला, जीरो से कितना चला धीरे धीरे, 180 डिग्री। तो चलो मैं इसको भी कितना मानता हूँ, 0 डिग्री, इसको कितना मान लेता हूँ, 180 डिग्री। ये देखो भाई जीरो से कितना चला मैं, इधर से स्टार्ट होके कितने तक आया, 180 तक। 180 वाला राउंड भी वापिस होगा, बात बता रहा हूँ मैं। अब की बार जीरो ऐसे मान लो, इसीलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल समझाया, अब की बार जीरो इधर मान लो, 180 इधर मान लो, तो अब कैसे चले इस साइड, ठीक है। एक बार मैं बोर्ड देख रहा हूँ, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट, चलो दिख रहा है क्लियरली। अब बात करता हूँ मैं इधर से, ठीक है, तो जीरो से कितना चले, 180 डिग्री, ठीक, उसको जस्ट अपोजिट कर दो, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, चाहे आप इस प्रोटेक्टर को अपोजिट कर लो, ऐसे करो इसको एक बार, ठीक है। अब जीरो से मैं किधर चला, 180 की ओर, कितना हुआ मेरा, 180 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार आप समझ जाना जीरो से कितना चला, 180 डिग्री और, तो कितना हुआ कुल मिला के, 360 हो गया भाई, 180 तक यहाँ पर वापस, 180 यहाँ, कितना हुआ, 360। इस प्रकार ये चलता जाएगा, 520 जो भी होता है, 540 कुछ भी होता है, आप देख लेना, 520 ऐसे जोड़ते जाओ, 180 720, सॉरी जो भी होता है आप देख लेना उसको ऐड करके कितना होता है, 360 के बाद में देख लो, 180 ऐड करके 460 और 80 कितना हो गया, 460 और 80 540 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार समझ जाना, उसके बाद आता है 720 डिग्री, मतलब ऐसे ये घूमता रहेगा, ठीक है। डिग्री माप और रेडियन माप मैंने बताई थी, कोण मापने की दो क्या होती है पद्धतियां, ठीक है, जिसमें डिग्री माप में किसे शो करते हैं, 180 डिग्री को पाई से, किसे शो करते हैं, पाई से, इसको क्या बोलते हैं, पाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14, वो वाला पाई नहीं है ये, ठीक है, ये 180 डिग्री का सिंबल होता है, कितना, पाई। 90 डिग्री को किससे शो किया जाता है, पाई बाई 2 से, अरे ध्यान रखो भाई, ये पूरा जो ये पूरी रेखा है 180 डिग्री की है, तो मैं जैसे इस मूल बिंदु को इधर इधर वाले को देखूं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री तो होगा भाई, ये देखो 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री, फिर दोनों मिला के तो है 180। अगर मैं हाफ को देखूं तो कितना है मेरे पास, 90 डिग्री ओनली फॉर, तो ये मेरे पास कितना है, 90 डिग्री, इसको भी मैं कितना मानूंगा, 90 डिग्री। इसलिए पाई किसको बोलते हैं, 180 को, अरे 180 को ही तो पाई बोलते हैं। जैसे ही मैं 180 में भाग लगाता हूं कितने का, 2 का, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, अरे समझ गए, वापस यहां पर आए 180, 180 को किससे शो किया जाता है, पाई से, ठीक है, या लगा देता हूँ पाई या 180 डिग्री। वापस मैं 180 में जोड़ूंगा कितने, 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री का ही तो एरिया है, 90 90 90 90 इसी प्रकार तो चलता है ये, 90 डिग्री का तो कितना आया मेरे पास, 270 डिग्री। 270 डिग्री को आप इस रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 3π/2 से, किससे, 3π/2 से। अब जैसे ही मैं वापस चला तो यहाँ पर कितना आया, 360, जिसको किससे लिखेंगे, 2π की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दो, कितनी होती है, 180 डिग्री। जैसे ही 180 को 2 से इंटू करोगे कितना आएगा, 360 डिग्री। तो आपका ये रहता है चतुर्थांश। अब इसमें क्या क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखना। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक बार वापस समझ लेना। अब देखो थोड़ा लेट हो गया, बीच में डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब देखो 2π तक बात हो चुकी है, जीरो से चले 180 तक, 180 के बाद 270, फिर कितना है मेरे पास, 2π। अब देखो मैं इसको क्या बोलूंगा, पहला चतुर्थांश,
बोले तो प्रथम चतुर्थांश रोमन संख्या में शो कर रहा हूँ इनको, क्या हो गया फर्स्ट क्वांटेड, क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा मार्कर में दिक्कत आ रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट क्वांटेड, बोले तो प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। दो नंबर पर बात आती है, अरे कभी एक बात और ध्यान रखना, ऐसे मत चल जाना कभी 0° से 180 इस ये राउंड नहीं होता है, कभी ये राउंड होता है, ठीक है ना। अब देखना प्रथम चतुर्थांश ये आ गया अपने द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये रहता है अपना फोर्थ चतुर्थांश, जिसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। फर्स्ट में हमेशा देखना छह त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहा हूं यहां पर, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो दो भाई एक साथ रहते हैं, ये बात तो आपको पता है, ठीक है भाई, जिनका दोनों की, अरे वो दो लोग हमेशा एक साथ रहेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम क्या होती है, मैचिंग। अगर किसी के दो की मतलब गुण ही नहीं मिलते हैं तो वो क्या दोनों एक साथ टिक पाएंगे, नहीं टिकेंगे। साइन थीटा का गुण किससे मिलता है, कोसेक थीटा का, कैसे मिलता है ध्यान रखना, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। भाई अगर साइन अमीर हो तो कोसेक क्या है, गरीब, कोसेक गरीब तो साइन अमीर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कोस थीटा का गुण किससे मैच होता है, सेक थीटा से, टेन थीटा का कोट थीटा से, हमेशा ही साइन और कोसेक क्या रहेंगे साथ में, टेन कोट साथ में, सेक और कोस क्या रहेंगे साथ में। इस चतुर्थांश के लिए बात कर रहा हूँ, न कि मैं हमेशा के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, ध्यान रखना, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, छह के छह जो भी है ये सभी क्या होते हैं, धनात्मक, ठीक है। थर्ड की बात करता हूं, थर्ड में मेरे पास आता है टेन थीटा और कोर थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। नंबर चार की बात करता हूं, चार में क्या बचे, सेक थीटा और कोस थीटा, देख लो सब, देखो मैंने जिस प्रकार आपको क्रम बताया था कंटिन्यू, उसी प्रकार देखो मैंने यहां पर एडजस्टमेंट कर दिया कि भाई दो दो का जोड़ा साथ में रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं किस प्रकार साइन वैल्यू देगा, किस प्रकार कोसेक वैल्यू देगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं 0° में कुछ ऐड करूंगा एंगल, एंगल को किससे बोलते हैं, थीटा से। 0° में कुछ भी कोण मैंने 1°, 2° कुछ भी ऐड किया तो मैं डायरेक्ट किस चतुर्थांश में आ गया, फर्स्ट चतुर्थांश में आ गया। फर्स्ट में क्या रहेंगे, सभी पॉजिटिव। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर नोट करवा रहा हूं, साइन होता है वो किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस है वो किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। टेन थीटा है वो किस में चेंज होगा, कोट थीटा में, और कोट थीटा किस में चेंज होगा, वापस टेन थीटा में। बात करता हूं सेक थीटा की, सेक थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, 180° रेखा पर ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्टकट में टी से लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज, मतलब साइन कोस में नहीं बदलेगा और कोस भी साइन में नहीं बदलेगा, टेन कोट में नहीं, कोट भी टेन में नहीं बदलेगा, इसी प्रकार सेक कोसेक में नहीं बदलेगा और कोसेक सेक में नहीं बदलेगा। ओनली फॉर 90° बोले तो कौन सी होगी, y एक्सिस पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे, चेंज। ये बात भी ध्यान में रखना, दोनों बातें बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखना किस प्रकार ये चेंज होते हैं, मैंने जीरो में जैसे ही कुछ ऐड किया तो मैं किस में आ गया, फर्स्ट में। जैसे ही मैं बात करता हूं साइन 0° प्लस, इसमें कुछ भी मैं एंगल ऐड करता हूं, मैं किस में आ गया, फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में देखो ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ये कौन सी रेखा है 0° वाली,
180 वाली, भाई सरल रेखा ही तो है सीधी 180 डिग्री वाली, जिस पे क्या मैंने भी क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, बदलते नहीं है, यानी साइन है वो किस में रहेगा, साइन में। 0 डिग्री में कुछ भी एंगल जोड़ता हूँ तो किस में जाएगा, साइन है थीटा, मतलब जो भी नया एंगल प्राप्त होगा साइन थीटा। साइन थीटा मतलब फर्स्ट क्वांटिटी में आ गए और साइन साइन में ही रहा क्योंकि चेंज नहीं हुआ, और क्या आया धनात्मक, क्योंकि इसमें क्या होते हैं सभी धनात्मक। धनात्मक ऋणात्मक का आप चेन किससे करोगे, जो वैल्यू दे रहा है यहां पर कौन दे रहा है, देखो साइन दे रखा है, साइन दे रखा है मैंने यहां पर, तो साइन यहां पर क्या दे रहा है वैल्यू, मतलब जीरो में एड करके, जीरो में एड कुछ एंगल होके वैल्यू कौन दे रहा है, साइन, और बदला किस में, साइन में। चलिए मैं बात करता हूं आगे आपको समझाने के लिए, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड में टेन कोट, और फोर्थ में क्या रहेंगे सेक और कोस। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है मेरे पास, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब, एस का मतलब देखो, एस मैच करवाओ साइन, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक। टी का मतलब टेन, टेन का व्युत्क्रम कोट। सी का मतलब कोस, कोस का व्युत्क्रम सेक। ये इनको याद रखने की छोटी सी शानदार ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक के रूप में मैंने बता दिए, ठीक है। एक और आती है एड सुगर टू कॉफी, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं किस प्रकार ये वैल्यू देते हैं, तो ये इतनी चीज तो आप नोट कर ही लेना और बाकी इनका सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सर एक बात बताओ, साइन जीरो माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आएंगे क्या, मैंने बताया कि ये क्रम कभी नहीं चलेगा, अरे कर ही नहीं सकते, ये गलत है, ठीक है। ये क्रम चलेगा जीरो से प्लस, 180 प्लस, 270 प्लस, 360 प्लस, कभी ऐसे थोड़ी चलेगा, जीरो से कम किया माइनस 180 आ गए, अरे गलत बात है वो, ठीक है ना, ठीक है। अब बात बताता हूँ आगे कि ये वैल्यू कैसे कैसे चेंज करते हैं अपनी, कैसे धनात्मक होते हैं, कैसे ऋणात्मक होते हैं। तो चलिए मैं इससे आगे बढ़ता हूँ आपको समझाने के लिए, ये पास वाला सभी मामला क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आपको समझा देते हैं किस प्रकार ये फर्स्ट क्वांटिटी में वैल्यू चेंज करते हैं, किस प्रकार सेकंड में करते हैं, क्योंकि इस पे बेस आपके क्वेश्चन है, वो जो भी चैप्टर है आपका 7.2 है कुछ भी है उसमें दे रखें, ठीक है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट की कर लेते, फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने बता दिया, सेकंड की बात करता हूं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, नंबर एक पर तो इसकी बात करता हूं, आपको कुछ समझाना है इसलिए ये एग्जांपल ले रहा हूं। दो नंबर पर लेता हूं कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तीन नंबर पर मैं एग्जांपल लेता हूं कोस 90 प्लस थीटा का ले लिया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी बताऊंगा, कई बोलेंगे कि सर वापस माइनस कैसे कर दिया आपने, तो कहा ये रूटीन चलेगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, सॉरी थोड़ा रेस्ट अप हो रहा हूँ, बोर्ड स्क्रीन सही नहीं आ रही है, सेट कर रहा हूँ एक बार। अब आ जाइए वापस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब बात करता हूँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखना, ये हवा के कारण डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। चलिए बात करता हूं मैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, किस प्रकार ये अपनी वैल्यू चेंज करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा 90 कहां पर है, ये रहा देखो भाई 90 डिग्री रेडियन माप में, 90 डिग्री ये रहा रेडियन माप में, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री में अगर मैं कुछ भी एंगल एड करूंगा प्लस थीटा करूंगा तो किस में आ गए, सेकंड में। जैसे ही मैं 90 में से कुछ घटाऊंगा माइनस थीटा करूंगा तो कहां पर आएंगे, यहां पर। अब आप बोलोगे सर अभी आपने मना किया था कि जीरो में से माइनस नहीं कर सकते, एक बात बताओ मेरे को, जब मैं इस दीवार से चलना प्रारंभ करता हूं और उस खिड़की तक जाके आता हूं, ठीक है, वापस मैं यहां पर नहीं आ सकता क्या, अरे आ सकता हूं वापस दीवार तक, तो दीवार से पीछे भी दीवार को तोड़ के निकल सकता हूं क्या,
अरे ये पॉसिबल है क्या आम आदमी के लिए? नहीं है ना। इसी प्रकार आप क्या करोगे, जहां से प्लेटफॉर्म आपका स्टार्ट होता है वहां तक आप वापस आ सकते हो, पर उसका जो नियम होता है रूल उसको तोड़ के आप उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 में कुछ भी, अगर मैं प्लस में थीटा ऐड करूंगा तो किस में आगे, तृतीय में। जैसे मैं माइनस थीटा करूंगा तो किस में आएंगे, सेकंड में। 217 में से मैं अगर थीटा घटाऊंगा तो किस में आएंगे, हम इसमें आएंगे। ठीक है, और 217 में अगर थीटा जोड़ूंगा तो किस में आएंगे, फोर्थ में। अरे बातें समझ में आ रही होगी। अब देखना साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, रेखा कौन सी है, 90 डिग्री वाली, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज तो होंगे। अभी मैंने नीचे दो नियम लिखे थे, वाई एक्सिस पे चेंज तो होना ही है, साइन किस में बदलेगा, यहां पर मैंने लिखवाया था किस में बदलेगा, कोस में। भाई ये चीज तो कन्फर्म हो गई कि साइन किस में बदला, कोस थीटा में। अरे थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है, मैंने अगर यहाँ पर लिखा होता 35 डिग्री तो 90 प्लस 35 कितने हुए, 125, तो कोस 125 आ जाता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिख रखा है ताकि आपके थोड़ा इजी वे में समझ आ सके। बात तो आ गई कोस थीटा की। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो साइन ही हमेशा धनात्मक होता है, पर कोस को ऋणात्मक लिखो आप, कहीं लगा देते हैं चलो कोस को ऋणात्मक कर देते हैं। एक बात ध्यान रखना, कोस ऋणात्मक नहीं होगा। ये जो पॉजिटिव है इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 90 डिग्री से इधर ये साइन वैल्यू देगा, साइन ही तो दे रहा है, तब इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वो किसमें आएगा, धनात्मक। अगर यहां पर कोस वैल्यू दे रहा है, देखो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन कोस बदलता किसमें, साइन थीटा में। अब बोलोगे सर आप साइन तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आएगा, धनात्मक और ऋणात्मक का चेंज कहां से होगा, यहां से, कि वैल्यू कौन दे रहा है उस पर डिपेंड करेगा, धनात्मक और ऋणात्मक लगेगा या नहीं लगेगा। अगर सेकंड में साइन और कोस एक वैल्यू देते हैं तो जो भी त्रिकोण भी आएगा वो किस में आएगा, अनुपात धनात्मक में। साइन और कोस के अलावा जो भी त्रिकोण भी अनुपात वैल्यू डिलीवर करते हैं वो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो मेरी बात हो गई यहां तक, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा किस में बदला, कोस थीटा में। अरे कोस थीटा में बदला कि नहीं बदला, साइन 90 माइनस थीटा। चलिए फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में आते देखो कोस में बदलेगा, लेकिन कोस क्या रहेगा, धनात्मक, क्योंकि फर्स्ट में क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। कोस 90 माइनस थीटा की बात करता हूँ, कोस किस में बदलेगा, साइन में, और पहले में क्या होते हैं, सभी धनात्मक। ठीक है, चलिए इससे आगे भी एग्जांपल बता देता हूँ आपको। टेन किस में बदलेगा, कोट किस प्रकार बदलता है, मैं थोड़े बहुत बताता हूँ, फिर आपके चैप्टर की ओर चलता हूँ, चैप्टर नंबर 6 की ओर, क्योंकि काफ़ी क्लास हो चुकी है इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, टेन 180 डिग्री या पाई प्लस थीटा। अरे ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं कुछ, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, ये वैल्यू किस में आएगी, देखो बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। अरे हवा की वजह से थोड़ा बोर्ड डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, हिल रहा है थोड़ा बोर्ड हवा की वजह से, चलिए कोई बात नहीं। बात करता हूँ 180 प्लस थीटा, भाई 180 में मैंने जैसे थीटा ऐड किया तो मैं देखो किस में आ गया, 180 में। अगर भाई यार आप यहाँ पर लटके हुए हो, एक बात बताओ मेरे को, कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पर, कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर लटका हुआ है, जैसे आप उसमें थोड़ा वजन करते हो तो वो नीचे की तरफ नहीं झुकेगा क्या? जैसे ही मैंने 180 में कुछ वजन किया तो वो किस में आ गया, थर्ड में, नीचे मतलब कसक गया। ठीक है, थर्ड में देखो टेन, बात करता हूँ एक बात करता हूँ, देखो टेन, टेन किस में बदलता है, कोट में, बस यही पॉइंट है, देखो ध्यान से, नहीं बदलना है, मैंने बार बार बताया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आपका मतलब जो भी आपका कमजोरी है वो पकड़ी है मैंने, क्योंकि आप यहाँ पर 100% चेंज करोगे, होता है मेरे से भी होता है कभी कभी। ठीक है, टेन टेन में ही रहेगा, ध्यान रखना। अब बस धनात्मक और ऋणात्मक की बात करता हूं, तो टेन 180 प्लस थीटा तीसरे में आ गया, तीसरे में भाई टेन और कोट का ही राज होता है, सब कुछ वो ही करते हैं काम, ठीक है ना। अब वैल्यू कौन दे रहा है, वैल्यू कौन दे रहा है, टेन दे रहा है, उससे नहीं देखना है कि बदल किस में रहा है, उसमें धनात्मक लगे हैं या ऋणात्मक, बस आपको यही ध्यान रखना है कि टेन वैल्यू दे रहा है तो टेन वैल्यू जैसे ही देगा तो तीसरे में टेन हमेशा ही क्या देगा, धनात्मक, टेन टेन में रहा, क्योंकि 180 डिग्री पर आ गए, बात यहां से पकड़ी जाएगी कि 180 डिग्री पे या 90 डिग्री वाली लाइन पे। टेन 180 माइनस थीटा किस में आ गए, जैसे ही मैंने 180 में से मतलब थीटा कुछ
भाई जो आदमी लटक रहा है वो अपने वजन के कारण ही लटक रहा है। जैसे मैंने उसका थोड़ा भार कम किया तो वो देखो धीरे से सीधा नहीं हो गया क्या, और भार किया तो वो पीछे गिर जाएगा। पीछे जैसे गिरा तो पीछे पीछे कौन सा चतुर्थांश था, दो नंबर ने उसको कसके पकड़ लिया। टेन नहीं बदलेगा क्योंकि 180 डिग्री पे, पर देखो मैंने टेन थीटा लिख दिया। अब टेन किस में आएगा, धनात्मक में या ऋणात्मक में? सेकंड नंबर में तो भाई किसका राज होता है, साइन और कोस का ही होता है। साइन और कोस से का ही तो राज होता है कि भाई साइन और कोस से कि दो ऐसे आदमी है जो सेकंड में अपना कारोबार चला सकते हैं, बाकी किसी को नहीं घुसने देते हैं, यानी वही हमेशा धनात्मक अमीर रहेंगे, बाकी तो सब उनके पीछे क्या है गरीब। टेन किस में बदला, टेन में बात किसकी आई, सेकंड की। सेकंड में टेन क्या होता है, ऋणात्मक, यानी सेकंड में टेन वैल्यू क्या देता है, ऋणात्मक, और थर्ड में टेन और कोट क्या देते हैं, धनात्मक। बात करता हूं कोट की, कोट 180 प्लस थीटा चेंज तो नहीं होगा क्योंकि 180 की बात कर रहे हैं, कोट थीटा रहेगा। धनात्मक क्योंकि वैल्यू टेन और कोट थर्ड में क्या देते हैं, धनात्मक, तो पॉजिटिव। कोट 180 माइनस थीटा चेंज तो नहीं होगा, कोट कोट में रहेगा पर होगा किसमें, माइनस में, क्योंकि सेकंड में हमेशा कौन वैल्यू धनात्मक देता है, साइन और कोसेक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ देते हैं, चौथे चतुर्थांश की बात कर देता हूं। चौथे में ध्यान से देखना, सेक 270 प्लस थीटा, अरे ये 270 ही है, कोस 360 माइनस थीटा जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई माइनस थीटा कर सकते हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो 360 से कुछ पहले आ जाएगी वैल्यू 355। भाई यहां पर मान लो 355 थे तभी तो यहां जाके 360 बने, तो 355 तक तो वापस आ सकते हो, वही दीवार और खिड़की वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए बात करता हूं, सेक 270 प्लस थीटा, जैसे 270 में कुछ एड किया तो कहां पर आ गए, चौथे में। अरे आ गए चौथे में, देखो बात किसकी हो रही, वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस पर क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू चेंज होती है, तो सेक किस में बदलेगा, कोस में नहीं बदलेगा, किस में बदलेगा, कोसेक में, मैंने बताया था थीटा और कोसेक। अब बात बोलोगे अरे ये भूल जाते हैं बच्चे, इस पे ध्यान देते हैं कि सर चौथे में तो कोसेक धनात्मक होता ही नहीं है, ऋणात्मक होता है, ओनली फॉर सेक और कोस होते हैं। अरे ये जो मैंने लिखा है ये चीज है कि वैल्यू देते हैं ये हमेशा धनात्मक, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसको ये धनात्मक ही बनाते हैं। ठीक है, कोस 360 माइनस थीटा कहां पर आ गए, यहां पर 360 की बात करता हूं तो फिर वही लाइन 360 पर भी वैल्यू चेंज नहीं। अरे भाई 180 उसी प्रकार की एक लाइन 180, एक बात बताओ ये मार्कर 180 डिग्री के एंगल का है, इस पर वैल्यू क्या होगी, नहीं चेंज होगी। जैसे मैं इसको उलट देता हूं 360 हो गए, अरे भाई लाइन तो वो की वही है ना, तो नहीं चेंज होगी, तो कोस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, कोस थीटा, कोस कोस में रहेगा, कोस यहां पर क्या देता है, धनात्मक। ये आपका चतुर्थांश वाला मैटर था जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अब इसके कई फॉर्मूला बनते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन कोस 90 माइनस थीटा, कई बार कई टाइप के फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब इसके कुछ फॉर्मूलों की बात करने के लिए, जिसमें आपको मैं कुछ लिखवाने वाला हूं फॉर्मूले चतुर्थांश को बताकर। चलिए भाई समझ में आ रहा होगा मेरा बताया हुआ, एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है बताने की। यह आपका लास्ट बेसिक कंसेप्ट था, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। अब जल्दी से जल्दी वीडियो देने वाला हूं मैं, लगभग 3 से 4 दिनों में आपको 15 से 16 या 14-15 वीडियो तो कन्फर्म पक्का मिलेंगे, ठीक है देखने को। चलिए बढ़ते, तो वही 4 चतुर्थांश बनो वापिस। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना कोई भाई, मैं तो मेहनत तो बहुत अच्छी कर रहा हूं, आप लोगों का तो मेरे को पता नहीं, पर आप जैसा जिस टाइप आप मेरा वीडियो देखते हो व्यूज तो कम ही आ रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए 10th क्लास वाले ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, और कुछ ही दिनों में लाइव की भी सोच रहे हैं। ठीक है, और मोबाइल से लाइव नहीं लिया जा सकता,
कंप्यूटर से ही लाइव क्लास हो सकती है, इसलिए मोबाइल से लाइव लेने के लिए 1000 सब्सक्राइब चाहिए सर को, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 1000 सब्सक्राइब करवाएं, ताकि क्या है कि आपकी लाइव क्लास चले जिसमें आप लाइव चैट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूलों को लेकर। अब यहाँ पर बना रहा हूँ मैं आपके चार चतुर्थांश, बोले तो फोर क्वांटेड। ठीक है, तो चलिए चार चतुर्थांश की ओर बढ़ते हैं। आइए पानी पी लेता हूँ भाई एक बार, जब तक आप रिवाइज कीजिए कल वाला। चलिए चार चतुर्थांश बना देते हैं। वही एक्स एक्सिस और वही अपनी क्या रहेगी, वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ये रहेगा एक्स डैश, ये रहेगा अपने पास वाई डैश। ठीक है, अब देखो ये कितना था 90 डिग्री, ये कितना था मेरे पास 180 डिग्री, और ये 0 डिग्री, और ये कितना था 270 डिग्री। जैसे वापस बढ़े तो ये कितना आया 360 डिग्री, और जैसे और वापस बढ़ोगे तो 540, उसके बाद बढ़ोगे तो 720। हो गई बात इतनी। चलिए अब देखते हैं, 0 डिग्री में थीटा ऐड किया, किस में आया, मैं फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। अरे समझ रहे हो, 90 डिग्री में से मैंने माइनस किया थीटा तो किस में आया, मैं वापस फर्स्ट में, 90 में प्लस किया थीटा तो किस में आया सेकंड में, सेकंड में क्या होते हैं साइन और कोसेक, क्या होते हैं दोनों पॉजिटिव। अरे ठीक है, थर्ड में देखो माइनस थीटा किया तो किस में आया मैं सेकंड में, प्लस थीटा किया तो किस में आया मैं थर्ड में, थर्ड में क्या होते हैं टेन और टेन थीटा, और क्या होते हैं कोट थीटा पॉजिटिव। 270 में से जैसे माइनस थीटा करता हूँ किस में जाऊँगा थर्ड में, थर्ड में वही टेन और कोट पॉजिटिव। 270 में से थीटा घटाता हूँ तो कितना आएगा थर्ड में, जैसे ही प्लस करूंगा तो किस में आएंगे फोर्थ में, और फोर्थ में क्या होते हैं सेक थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं देखो आपके कुछ फॉर्मूलों की। एक नंबर में लेकर चल रहा हूँ 0 डिग्री वाली लाइन को। सबसे पहले बात कर देता हूँ साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद आता है कोस 0 डिग्री प्लस थीटा, टेन 0 डिग्री प्लस थीटा, फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको, कोट 0 डिग्री प्लस थीटा, सेक 0 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद आपका रहता है कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक 0 डिग्री प्लस थीटा। अब मैंने बता दिया था कि साइन किस में बदलेगा, कोस थीटा में, कोस बदलेगा साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, इसी प्रकार सेक कोसेक में और कोसेक सेक थीटा में बदलेगा। साइन 0 डिग्री प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में आ गया, पहले में क्या होते हैं सभी धनात्मक, बात किसकी आई देखो, साइन 0 डिग्री बोले तो कौन सी रेखा है 180 डिग्री वाली, जिसपे माने चेंज नहीं होता है, तो साइन किस में रहेगा मेरे पास साइन में, और धनात्मक रहेगा क्योंकि मैं किस में आया प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में सभी वैल्यू क्या होती है धनात्मक। इसी प्रकार देखो ये भी सभी किस में आएंगे प्रथम में, और प्रथम में क्या होगी सभी धनात्मक, चेंज कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये कौन सी रेखा पे 180 डिग्री वाली पे। ठीक है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, हो गया 0 डिग्री वाला मैटर कंप्लीट। सेकंड नंबर पर बैठते हैं, सेकंड पर रहेगा आपका 90 डिग्री वाला, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, दोनों को देखना किस में चेंज होंगे, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तीन नंबर पर आप क्या रहेगा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और बाद में रहेगा आपके सेक 90 डिग्री प्लस थीटा
और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट रह गया बीच में, कोट 90 डिग्री प्लस थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक की बात हो गई, बचा क्या, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। चलिए बात करते हैं, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, ये रहा 90, 90 में कुछ जैसे मैंने ऐड किया तुम किस में आ गया, सेकंड में, वैल्यू कौन दे रहा है, साइन थीटा, साइन हमेशा ही सेकंड में क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, क्या देगा, पॉजिटिव। चलो एक बात तो पता चल गई कि भाई जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वह क्या आएगा, धनात्मक। बात हो रही है वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस पे हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, चेंज, साइन किस में बदलेगा, कोस में, और थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हमेशा क्या होगा, कोस थीटा। बात करता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट में आ गया, और वाई एक्सिस पे देखो 90, तो चेंज होगा किस में, कोस में, और कोस फर्स्ट में क्या रहता है, हमेशा ही धनात्मक। अब देखो दो नंबर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा तो बोले किस में आए, सेकंड में, बदला किस में, साइन थीटा में, बदलने का कारण मैंने बता ही दिया, 90 डिग्री वाली लाइन, साइन ने देखो, अब ऐसे मत कन्फ्यूज होना कि साइन तो सर इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव, भाई साहब यहाँ पर देखना है कि वैल्यू कौन दे रहा है, ये सिस्टम केवल यही फॉलो करता है कि वैल्यू कौन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कौन दे रहा है, कोस, कोस सेकंड में क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव, कोस केवल फोर्थ चतुर्थांश में क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो कोस 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो गया, साइन थीटा में, और किस में बदला, माइनस में, कोस 90 माइनस थीटा, अंक बीच के लिख दो बिना सोचे समझे, पॉजिटिव फर्स्ट में आ गए, ठीक है। बात करते हैं टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब किस में आ गए, सेकंड नंबर में, सेकंड में टेन क्या देता है, नेगेटिव, टेन बदलता किस में, कोर थीटा में, ऋणात्मक चिन्ह लगा दो, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, पॉजिटिव कोर थीटा, क्योंकि फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, धनात्मक। सेक 90 प्लस थीटा, वही बात, सेक किस में बदलेगा, कोसेक थीटा में, और किस में देगा वैल्यू, नेगेटिव। अब वापस कंफ्यूज मत होना कि कोसेक उसमें क्या होता है, पॉजिटिव। अरे भाई साहब यहाँ पर देखना है कि वैल्यू कौन दे रहा है, बस वही हमेशा ध्यान रखना, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस के कोसेक थीटा, कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, कोट किस में बदलेगा, टेन में, और सेकंड में टेन क्या रहता है, नेगेटिव, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, और बदलता किस में, कोट टेन में। अब बात करता हूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट में आ गए, कोसेक किस में बदलेगा, सेक थीटा में, और रहेगा क्या, पॉजिटिव फर्स्ट में, लेकिन ध्यान रखना जैसे 90 में कुछ ऐड करोगे तो क्या आएगा, सेकंड, सेकंड में कोसेक क्या देता है, हमेशा धनात्मक वैल्यू, तो धनात्मक चिन्ह लगा लिया, और 90 डिग्री लाइन वाले पर क्या बदलता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, कोसेक किस में बदलता है, सेक में। चलिए हो गया आपका एग्जांपल 90 डिग्री वाला ही। अब इस प्रकार आप 180 वाला कर सकते हो, ठीक है, 270 वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ लेना, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इससे आगे भी आपको बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ आपके चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें आपके ओनली फॉर जो आपको मैंने एक टेबल बताई थी, वो टेबल यूज होने वाली है, जिसमें आपको मैंने हेडिंग लिखवाई थी, विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी। तो एक बार मैं वो टेबल आपको बता दूंगा, वापस रिवाइज करवा दूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट करवाएंगे, और अब लगभग 2 दिनों में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार चल रही है क्लासें, चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर, सभी बुक में निकालिए भाई, 104 नंबर पेज पे है आपका चैप्टर, उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, मैं हिंट दे देता हूँ, उसी टाइप के आपके जो आपकी 6.1 रहेगी उसमें एग्जांपल है, तो आप कर लेना, बाकी के आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ कि किस टाइप के आपके एग्जांपल रहते हैं। बात करता हूँ मैं एग्जांपल नंबर 1 की, बुक्स का एग्जांपल नंबर 1 ध्यान से देखना भाई, देखो क्वेश्चन तो याद नहीं रहते, बुक्स तो हाथ में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे, पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, कभी एक कई कन्फ्यूजन भी है किसी के पास, भाई पुरानी बुक होगी जिसमें पेज नंबर थोड़े साइड में हो सकते हैं, मतलब सेम मिलने को जरूरी नहीं है। तो आपका चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चैप्टर नंबर 6।
चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, हिंदी में बोले त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल नंबर 1 लेके चलता हूं। सबको देखो, अगर वो टेबल जो मैंने लिखवाई थी आपको, अगर वो ही नहीं याद है तो आप समझ लेना कि आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 कहता है, एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है कि 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका बोर्ड स्क्रीन पे एग्जांपल नंबर 1, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 इंटू, वो देखो बीच में जो निशानी दे रखा उसका मतलब गुणा ही होता है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए, मान ज्ञात कीजिए इसका। तो देखना किस प्रकार निकालेंगे इसका मान। सबसे पहले मैं जानता हूँ 10 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास। अरे अगर आपको नहीं याद है टेबल तो याद कर लेना जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। इसका सॉल्यूशन देखना क्या रहता है, सिंस का मतलब होता है हिंदी में चूंकि, 10 60 डिग्री इक्वल कितना होता है रूट 3, ये 10 60 की वैल्यू होती है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2। अब देखो यहाँ पर क्या लग रखा है स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगाता हूँ मतलब इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी प्रकार कोस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब इनका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, रूट 3 को रूट 3 से कितने बार, एक बार गुणा करो, तो रूट से रूट हमेशा ही गुणा होने पर क्या होता है हटता है, अगर क्या हो अंदर सेम संख्या हो। कहीं ये मत कर देना कि रूट तीन गुणा रूट 2 बराबर क्या होगा 6। भाई देखो कभी भी मत करना, रूट के अंदर अगर सेम संख्या हो तभी रूट हटेगा, अन्यथा रूट नहीं हटेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2, सेम संख्या नहीं है ना, इसलिए रूट नहीं हटेगा। क्या आएगा इसका मान रूट 6, ठीक है। अब देखना समझने के लिए इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई 3, यहाँ पर रूट हट गया क्योंकि 3 ही आता और 3 ही आता। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है अभी बताया मैंने 3, बट्टा देखो ये स्क्वायर पूरे पे, इसलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड की है ये मैं इस क्वेश्चन में पुट अप कर रहा हूँ। देखो 10 स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस 3 इंटू क्या चल रहा है कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3/4। इसका सॉल्यूशन देखना, 3 प्लस 3 इंटू 3 कितने हो गए 9/4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डिवाइड में कितना मानते हैं 1। एलसीएम क्या है मेरे पास 4, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 ही कॉमन था, तो 1 का भाग 4 में, 4 बार 4 को 3 से गुणा किया 12, प्लस का साइन बीच में चल रहा है, 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया कितना आया 9, तो 12 और 9 ऐड होके कितने हो गए मेरे पास 21/4। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कितना 21/4, फर्स्ट एग्जाम्पल था, यानी इस चैप्टर के अंदर लगभग यही एग्जाम्पल मिलेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखना, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था, यहां पर देख लो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड दे रखा है साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री बीच में प्लस का साइन चल रहा है, साइन 30 गुणा कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। साइन 60 की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी होती है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन देखना, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कोस 30 डिग्री दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसी प्रकार साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये सभी मान यहाँ पर रख दो क्वेश्चन में, साइन 60 की जगह कितना रखता हूँ √3/2, इसी प्रकार कोस 30 की जगह भी कितना रखा √3/2, बीच में प्लस का साइन चल रहा था, साइन 30 का मान 1/2 गुणा का साइन कोस 60 का मान 1/2,
रूट से रूट कैंसिल हुआ, तीन आ गया, नीचे कितना आया चार, प्लस ऊपर एक गुणा एक एक, दो गुणा दो कितना आया चार। एलसीएम कितना आया, दोनों में कॉमन था देखो, अरे उभयनिष्ठ नहीं है कि चार, तो दोनों का एलसीएम कितना आया मेरे पास चार, चार का भाग चार में एक बार, तीन को एक से गुणा किया तीन, इसी प्रकार यहाँ पर कितना आएगा एक, तीन और एक कितने हुए चार, चार बट्टा चार यानी एक। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास कितना आया एक। अब देखो ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर नंबर छह में एक फॉर्मूला रहता है साइन ए प्लस बी का, चलिए आपको बता देता हूँ, अरे नॉलेज जितना एक्सेप्ट करोगे वो उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। ये तो इस टाइप से हो गया, याद रखना किस कितना आया इसका आंसर एक। अब देखना उस ट्रिक से भी एक ही आता है क्या, चेक कर लेते, चेक करने में क्या, आप कोण को किससे लिखते हो थीटा से, चलिए इसको क्या मानेंगे थीटा, भाई इसको थीटा थोड़ी मान लेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है क्या, तो इसको क्या मान लेता हूं मैं थीटा डेस। वापस देखो 30 है तो 30 क्या था अभी, क्या माना था थीटा डेस, 60 क्या माना मैंने थीटा। ट्वेल्थ क्लास में एक फॉर्मूला आता है, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, साइन थीटा प्लस थीटा डेस, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा डेस प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा डेस। कंपेयर करवा लो फॉर्मूले की, साइन थीटा, थीटा की जगह 60, थीटा डेस की जगह 30। वापस देखो अब की बार ये जो थीटा था वो किसके साथ जुड़ रहा है, कोस के साथ, देख लो थीटा डेस मतलब 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब शॉर्ट के ट्रांसफर क्या होगा, साइन थीटा प्लस थीटा डेस, तो साइन थीटा की जगह मैं कितना रखूंगा 60 डिग्री प्लस थीटा डेस की जगह 30 डिग्री, तो साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है एक। देख लो भाई मैच करवा लेना, जो भी लॉन्ग मेथड से किया था और इसको मैच करवा लो, उसका भी कितना आया था एक और इसका भी कितना आया एक। ये एग्जाम्पल नंबर दो आपका कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर तीन की ओर। एग्जाम्पल नंबर तीन देखना, मेहनत करो भाई घर पे, पूरा सिलेबस करवा दूंगा, अच्छे से पढ़ोगे तो 100 में से 100 भी हासिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मार्क्स लेके आना कोई टफ काम नहीं है अगर आप मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करते हो तो। चलिए एग्जाम्पल नंबर तीन की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर तीन दे रखा है कि प्रूव कीजिए, बोले तो हिंदी में सिद्ध कीजिए 4 साइन 30 डिग्री, प्रूव डेट, प्रूव डेट का मतलब क्या हो गया हिंदी में सिद्ध करना है कि भाई हमें सिद्ध क्या करना है, 4 साइन 30 डिग्री आगे दे रखा है आपके इंटू में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या दे रखा है 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 इंटू कोस 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री, इसके बराबर में क्या सिद्ध करना है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के cosec स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है भाई। तो चलिए बात करते हैं, अब सबसे पहले तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हो कि भाई क्या करना है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में कि जो भी यहाँ पर जैसे 37 दे रखा है, cos 60, tan 45, इन सभी का मान लिख लेना, ताकि क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखना बहुत ईजी सा है, सिद्ध करने का नाम आते ही देखो मेरे को क्या करना है प्रूव डेट, प्रूव डेट का मतलब क्या हो गया सिद्ध करना है कि क्या करना है, LHS साइड है, इक्वल का साइन ये है, इसके ये साइड कौन सी होती है LHS और ये वाली साइड कौन सी होती है RHS। कई इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे मत कर देना कि इनको सोल्व करके ये चीज़ लेके आनी है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री, नहीं, आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें अगर आपको डायरेक्ट भाई कॉमन सेंस की बात है वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये देख लो गणितीय आंकड़े दे रखे, पहले LHS को सोल्व करेंगे, इधर RHS को करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिद्ध, सेम ही आएगी क्योंकि हमें सिद्ध ही करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए
ये साइड कौन सी आरएचएस, इधर एलएचएस को सोल्व करते हैं। एलएचएस में देखो पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 डिग्री की कितनी होती है रूट 3/2, टेन 45 डिग्री की कितनी होती है 1, और क्या रह गया उधर देख लो सेक 60 की, सेक 60 की कोस 60 की व्युत्क्रम, कोस 60 की कितनी होती है 1/2, तो सेक 60 की कितनी हो जाएगी 2, कोस एक 90 डिग्री किसका व्युत्क्रम हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, सही तो लिख रखा है ना 2 sec² 60 डिग्री, ठीक है जैसे क्वेश्चन ने पढ़ा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं साइन 30 डिग्री, यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, देखो गुणा में क्या चल रहा है 4 इंटू का साइन, आगे देखो किसकी वैल्यू मांग रहा है साइन 30, साइन 30 की मेरे पास कितनी है 1/2, वापस इंटू का निशान साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है वो मैं आपको चेंज करवा दूंगा, साइन 60 की √3/2, √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर दे रखा है इसलिए √3 का क्या लगेगा होल स्क्वायर, प्लस का साइन 3 इंटू कोस 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी रहती है सेक 60 की उल्टी, तो बोले कितनी हो जाएगी 1/2, यहां पर लिख देता हूं कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है सेक 60 की व्युत्क्रम बोले तो 1/2, ठीक है। प्लस में देखो टेन 45 प्लस में या साथ में, एक बार देख लेता हूं वापस, सॉरी ये गुणामी है मैंने सोचा प्लस में, तो टेन 45 की कितनी होती है 1, 1 को गुणा करोगे तो 1 कहना है, इसलिए लिखो चाहे मत लिखो 1 की बात, चलो लिख देता हूं समझने के लिए। अब देखो 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, प्लस देखो 3 इंटू 1 इंटू 1 कितने 3/2 में क्या 2, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 3/2 प्लस 3/2 कितने हो जाएंगे 6/2 बोले तो कितना आया 3, आ गया 3। RHS की बात करता हूँ, RHS में भी कितना लेके आना है 3, RHS में 3 लाने के लिए मैं RHS को सोल्व करता हूँ 2 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, मैं बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पर ये सिद्ध नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ करेक्शन है वो आपको करवा दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ देख लो, माइनस का साइन कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, 8 माइनस 1 कितना आया 7, जबकि ये देखो दोनों मैचिंग नहीं हो रहे हैं इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी क्या है गड़बड़ी। अब वो गड़बड़ी क्या है अब मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन में यहाँ पर सेक 60 दे रखा है, वहां पर आपको क्या करना है 45 डिग्री कितना लगाना है 45 डिग्री, चलो 45 डिग्री से करते हैं, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, मतलब कोस 45 की होती है 1/√2, इसका जैसे अपोजिट करोगे तो क्या आएगा √2/1, जिसका कोई 1 का तो मतलब भाग लगाने का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए सेक 45 की कितनी है मेरे पास √2, कोस एक 90 की 1 वो रहने दो उसमें कुछ करेक्शन नहीं है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर 45, मतलब √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो देखो 2 इंटू 2 कितने हुए 4, 4 में से 1 घटाया कितना है मेरे पास 3, अब देख लो दोनों आंसर क्या हो रहे हैं मैच, यानी मैं कह सकता हूँ अतः LHS इक्वल क्या आएगा RHS, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ। तो मेरे पास बात हो चुकी है एग्जाम्पल नंबर 3 तक, अब देखो आपकी जो RBSE की मैथमेटिक्स की बुक है इसमें एग्जाम्पल नंबर दे रखे हैं आपके 8, जिसमें आपको एग्जाम्पल नंबर कौन सा नहीं करना है आपके लिए बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 आपको नहीं करना है, बाकी जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको उनको सोल्व करना है, यह आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में मैं आपको इसे आगे बताने वाला हूँ। धन्यवाद, अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराए ताकि सर लाइव आ सके, ठीक है, तो इसमें अपन दोनों का ही फायदा है, धन्यवाद।